आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। सच में परमेश्वर ने रात भर संभाल कर एक नई सुबह को हम सब के जीवनों में जोड़ा, तो हम उस परमेश्वर का अपने तहे दिल से धन्यवाद करें कि सच में वो हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। यूहन्ना 16:20 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर महान है। वो कहता है कि संसार में तुम्हें दुख, परेशानी और विलाप तुम्हारे जीवन में आएंगे, परंतु तुम्हारे दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमेन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उन सब के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। मेरे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी हैं। प्रभु आप दयावंत परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, उन सब को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। आज की नई सुबह में परमेश्वर हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु आज के दिन में बीमार हैं परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो उनका दुख है प्रभु जी, आप उसे आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जो डरते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जो घबराते हैं परमेश्वर, जो अपने हम यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके डर को दूर करके अपना आनंद उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनकी सहायता करके प्रभु उनकी मदद करें परमेश्वर पिता, ताकि वो पढ़ाई में अव्वल हों, और ताकि प्रभु जो कुछ भी हो, जिस चीज़ की भी वो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, उसमें परमेश्वर वो आपको महिमा दे सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो अपनी शादी के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता, आप उनके लिए अच्छे मार्ग को तैयार करें, अच्छे लाइफ पार्टनर को उनके जीवन में दे, एक राइट लाइफ पार्टनर को उनके जीवन में दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो वो दुखी है प्रभु अपने जीवन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, प्रभु जी उनका दुख आनंद में बदल जाए परमेश्वर पिता। जो लोग अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए टेंशन में है, अपने बच्चों की पढ़ाई के टेंशन में है, और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आप उन बच्चों की प्रभु उनके फ्यूचर को सिक्योर करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर पिता, कलेश जिनके जीवनों में है परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें अपनी शांति दे परमेश्वर पिता, उन लड़ाई झगड़ों को उनके जीवन से दूर करे प्रभु, उन दुख की परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकाल कर परमेश्वर पिता आप परमेश्वर उन्हें अपनी शांति से भरे। जिनके मन अशांत हैं प्रभु जी, जो अशांति में अपना जीवन जीते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें शांति प्रदान करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके जीवन में पारिवारिक कलेश है परमेश्वर पिता, प्रभु उन लोगों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पारिवारिक कलेश को आप दूर करें, अपना मेल मिलाप उनके जीवन में दे, अपना आनंद दे प्रभु, उनके दुखों को आप देखें परमेश्वर पिता, उनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु किसी प्रकार धोखा मिला है परमेश्वर पिता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में प्रभु धोखा मिला है परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को पिता परमेश्वर फिर से रिकवर करें परमेश्वर पिता, आप उनके संग में हो जाइए प्रभु जी, और पिता उस परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, ताकि प्रभु जिन्होंने उसे धोखा दिया है
है परमेश्वर, प्रभु आप उनके घावों को भर के प्रभु उनका शोक आनंद में बदल दीजिए। प्रभु जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है, प्रभु पिता यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना है कि तू सबसे उत्तम प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु आप अपने प्रेम को उनके जीवन में दीजिए ताकि उनका जीवन परमेश्वर शोक से आनंद में बदल जाए। परमेश्वर जो दुख परेशानी और निराशा में है, प्रभु जी उन लोगों की भी आप सुधि लें, आप उनके दुख दर्द को देखें, आप उनकी परिस्थितियों को देखें, आप उनके संग में हो जाइए परमेश्वर, आप उनके शोक को आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर। अपने जीवित वचन के अनुसार आज की सुबह में आप उनके संग में होइए परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, इन सारी प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया प्रभु, और पिता उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया परमेश्वर। पिता इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक को दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर, विपत्तियों से बचाएं, नजर से खतरे मुसीबतों से बचाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।